नमस्कार, आप देख रहे हैं पलपल न्यूज। मैं हूं नैंसी, वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ। आज 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे है। डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है और जैसा कि डॉक्टर्स का जीवन जो है बहुत ही संघर्षमय होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स संघर्ष करके, स्ट्रगल करके बहुत सारे लोगों की जो जिंदगी है बचाते हैं। आज हम मिलेंगे सिरसा के कुछ स्पेशल डॉक्टर्स से, उनका क्या कहना है इस डॉक्टर्स डे को लेकर। सर, फर्स्टली हैप्पी डॉक्टर्स डे। आज डॉक्टर्स डे है, तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा कि हर साल 1 जुलाई को ये डॉक्टर्स डे भारत में मनाया जाता है और ये 1991 से शुरू हुआ था, जब डॉक्टर बीसी रॉय हुआ करते थे और उनकी डेथ और बर्थ एनिवर्सरी 1 जुलाई को होती है, तो उसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और इसका पर्पस ये है कि जो जनरल पब्लिक है वो डॉक्टर के प्रति अपना रिस्पेक्ट, अपने भावनाएं प्रकट कर सके और उनको, डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट दे चुके दें, क्योंकि जो वो अपना जीवन, अपना समाज की सेवा में लगाते हैं, तो उसका एक तरह से उनका धन्यवाद देने के लिए ये बनाया गया है। जी सर, लोगों को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स भगवान होते हैं आम जन के लिए? ऐसा कि अपनी तरफ से डॉक्टर भगवान तो नहीं कह सकते, पर अपनी तरफ से डॉक्टर बहुत कोशिश करता है कि मरीज का उपचार और सभी जगह सब सही हो, लेकिन ऐसा कि मेडिकल साइंस बिल्कुल गणित की तरह नहीं हो सकती, उसमें मरीज कुछ ठीक भी होते हैं, कुछ ठीक नहीं भी होते हैं, और एक ही इलाज एक मरीज के लिए सही हो सकता है और दूसरे मरीज उसी इलाज को कई बार रिस्पॉन्स नहीं करता, तो उस चीज़ को पेशेंट कहीं अन्यथा ले लेता है और पेशेंट के मन में कई बार और भावनाएं हो जाती हैं। तो इस दिन मैं लोगों को यही एक समझाने की कोशिश करूंगा कि हर कोई मरीज इलाज से सही नहीं हो सकता, है ना। डॉक्टर अपनी कोशिश करता है, अपना उपचार करता है, अपने दिमाग के हिसाब से उसी उपचार करता है। कुछ लोग ठीक होते हैं और कुछ लोग ठीक नहीं होते, पर वो तो अपनी भावनाएं को वो कंट्रोल में रखें और ध्यान रखें, और डॉक्टर जो भी करता है वो मरीज के फायदे के लिए ही करता है। इसके लिए एक ही ट्रिक है, फिजिकल एक्टिविटी, है ना, संयम, सभी चीज़ों में संयम रखें। फिजिकल एक्टिविटी में भी अपना टाइम पूरा दें, मॉडरेशन करना चाहिए, खाने पीने में मॉडरेशन रखें, उचित मात्रा में खाएं, फिजिकल एक्टिविटी करें, दिमाग में टेंशन ज़्यादा ना होने दें, तो ये तीनों का अगर प्रॉपर मिश्रण होगा तो आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। हैप्पी डॉक्टर्स डे, आज आपका दिन है। जैसा हम सभी जानते हैं डॉक्टर्स भगवान होते हैं लोगों के लिए, तो मैम आज आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर्स डे पे? मैं डॉक्टर भावना संजीवनी परिवार की तरफ से अपने सभी डॉक्टर भाइयों को, बहनों को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे लोग हमें भगवान का दर्जा देते हैं, हम उस दर्जे को पाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं और हम बहुत कोशिश करते हैं कि जो मरीज़ की हमसे उपेक्षाएं होती हैं, जो मरीज़ हमसे चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी जिस डॉक्टर के पास जाए, उस काम को हम अपनी तन मन धन शक्ति से उस काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। हर डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि अगर उसके पास कोई मरीज आया है, उस दुख को लेके आया है, वो उस दुख को पूरा पूरा उस दुख का निवारण करे। मेरा पहला ट्रिक तो यही है कि ये गर्मी का मौसम भी है, जितना ज़्यादा हो सके पानी पिए, सुबह समय से उठें, मोबाइल पे कम टाइम स्पेंड करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, खाना पौष्टिक खाएं, फ्रूट्स खाएं, सब्जियां खाएं, यही स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा। फर्स्टली हैप्पी डॉक्टर्स डे सर। थैंक यू। आज मैं आपसे जानना चाहूँगी, डॉक्टर्स भगवान होते हैं आम जन के लिए, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर्स डे पे? डॉक्टर डे पे तो आज संजीवनी हॉस्पिटल में एक कैंप लगाया गया लोगों को ये जागरूक करने के लिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि लोगों को कुछ ऐसी बीमारी होती है लोगों को पता नहीं चलती है, ठीक है, जैसे यूरिक एसिड का बढ़ जाना जिसको हम गाउट बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो घुटनों में बहुत कॉमन है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको गठियाबाई बोलते हैं, इसकी जागरूकता भी लोगों में है नहीं, खासकर गाँव में, उसी के लिए कैंप लगाया गया ताकि हम उसकी फ्री में जांच कराएं और हम पता करें कि आखिर इस पॉपुलेशन में कितनी है, फिर हम उनको बताएं कि इसका इलाज क्या है, जैसे कि कुछ दवाइयां होती हैं, रेगुलर एक्सरसाइज हम बताते हैं वो करना होता है, और घुटने जिनके बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, आजकल हरियाणा सरकार ने गवर्नमेंट पैनल पर फ्री इलाज की सेवा दी है जिसमें घुटने के
बदलने का ऑपरेशन भी अवेलेबल है। जिनके घुटने पूरे ख़राब हो गए हैं उसके लिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप अपने घुटने चेंज करवाओ और सक्सेसफुल ऑपरेशन है, ठीक है। और सर, लोग एक टिप बताइए आप लोग ताकि हेल्दी रहने के लिए क्या कुछ करें। हेल्दी रहने के लिए सबसे अच्छी ज़रूरी है अगर आपको मॉर्निंग वॉक डेली कम से कम आधे घंटे आप रेगुलर मॉर्निंग वॉक करिए। और घुटने के दर्द के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है आप साइकिलिंग करिए, साइकिलिंग में बहुत फ़ायदा होता है। और एक तैरना, जिनको तैरना आता है उनके लिए भी घुटने के लिए बहुत ही आराम आएगा। दूसरा खान पान में थोड़ा परहेज करना होता है, जैसे कि आजकल यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है लोग मतलब अल्कोहल स्मोकिंग प्रोटीन डाइट्स ज़्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो मैंने मरीजों को बताया कि थोड़ी सी प्रोटीन डाइट कम, अल्कोहल कम, हरी सब्जियाँ बढ़ाइए अपने रूटीन में, पोटैटो कम खाइए, इससे शुगर के बढ़ने के ज़्यादा चांस होते हैं, और रेगुलर एक्सरसाइज ये सब। देखिए पल पल की टीम मिली कुछ डॉक्टर से और उनको किस तरह से जो डॉक्टर्स डे है वो विश किया। हालांकि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि पेशेंट्स को या आम जन को ये ध्यान हो कि 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे होता है। तो इसी के साथ मैं हूँ नैन्सी, वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ, धन्यवाद।